अभी मैं हूँ मैक्लोडगंज की मेन मार्केट में और बिल्कुल बीचों बीच चौक पे। इस वक्त अभी सब ओपन है लेकिन यहाँ पे सब जल्दी बंद हो जाता है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी भीड़ हो रही है और 8-9 बजे के बाद मार्केट थोड़ी सी डाउन होने लग जाती है क्योंकि कोरोना की वजह से। लेकिन अभी ट्रैफिक खुल गया है, लोग आ रहे हैं, टूरिज्म ओपन हो चुका है। यहाँ पे अभी काफ़ी चहल पहल है। तो आज का मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं आपको मैक्लोडगंज की नाइट लाइफ दिखाऊं और यहाँ पे क्या क्या ओपन है, क्या क्या ओपन नहीं है, यहाँ का क्या क्या लोकल फूड है जो आप स्टॉल्स पे जाके खा सकते हैं और जिसके लिए लोग यहाँ पे आते हैं। तो आज हम वही सब एक्सप्लोर करेंगे, देखते हैं कहाँ पे ज़्यादा रश है, कहाँ पे नहीं है। तो हमारा पहला पॉइंट इस मेन चौक पे द टिक्का जंक्शन। यहाँ पे नॉनवेज बहुत फेमस है लेकिन आज का यहाँ पे जो स्पेशल है वो है मक्की दी रोटी सरसों का साग। तो यहाँ पे इस चौक पे लोग आते हैं, इस टिक्का जंक्शन पे रुकते हैं और यहाँ का टिक्का एंजॉय करते हैं, नॉनवेज एंजॉय करते हैं। लेकिन आज यहाँ पे लोग एंजॉय करेंगे मक्की दी रोटी सरसों का साग। तो पंजाब की खुशबू तो आनी चाहिए, है ना। तो मैक्लोडगंज में अगर आपको मक्की दी रोटी सरसों का साग मिल रहा है तो इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती है। तो हमारे पंजाबी भाई यहाँ पे आए और मक्की दी रोटी सरसों का साग ज़रूर खाए। तो चलिए सफ़र में और आगे चलते हैं। अच्छा, मैंने मास्क किसके लिए लगाया हुआ है, क्योंकि एक तो कोरोना है लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर मैं मास्क उतार दूँगा तो यहाँ पे 500 रुपये का फाइन है। तो हम आगे चलते हैं। ये इस शॉप पे दूसरी सबसे फेमस शॉप है जो पेस्ट्री शॉप है। यहाँ पे लोग आकर सॉफ्टी, बेकरी, केक्स खाना एंजॉय करते हैं। अगर आप मैक्लोडगंज जाते हैं तो आप मेन चौक पर आकर पेस्ट्री शॉप पे ज़रूर आए और यहाँ की पेस्ट्री, बर्गर सब ट्राई करें, केक्स ट्राई करें। यहाँ की सॉफ्टी ठंड में खाना तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आए, यहाँ पे लोग काफ़ी आते हैं और जो यहाँ पे ठंडी ठंडी सॉफ्टी खाते हैं। तो हम चलते हैं अभी थोड़ी देर, थोड़ा और आगे जहाँ पे हमें खाने को मिलेंगे मोमोज। तो यहाँ के मोमोज बहुत फेमस है, यहाँ पे तिब्बती लोग बहुत ज़्यादा है और इसको छोटा तिब्बत भी बोला जाता है इस जगह को। और ये जगह है मैक्लोडगंज। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे मार्केट कल मंडे को बंद रहती है। मंडे को मार्केट बंद रहती है ना, मंडे को मैक्लोडगंज की मार्केट बंद रहती है और इसलिए मैं यहाँ पे संडे का हूँ। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा रौनक रहती है सैटरडे को। तो सैटरडे को यहाँ पे क्लब्स, पब्स, रेस्टोरेंट सब ओपन रहते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे आना है तो आप सैटरडे का प्लान बनाइए मार्केट में आने का, तो आपको ज़्यादा चहल पहल मिलेगी। तो अब मैं आया हूँ यहाँ पे यहाँ के स्पेशल मोमोज खाने। अगर आपको मोमोज खाने हैं तो मैक्लोडगंज में, तो ये मंदिर है, कौन सा मंदिर है ये? हाँ, छोटा मंदिर। तो ये मेरे सामने छोटा मंदिर है, उसके नीचे ये तीन मोमोज वाले खड़े होते हैं और यहाँ पे आके लोग काफ़ी मोमोज खाते हैं। ये वो मंदिर है दलाई लामा जी का, इसको बोलते हैं छोटा मंदिर, बुद्धिस्ट टेम्पल है ये। और ये चौक से हार्डली 2 मिनट का वॉक भी नहीं है, बस 20 कदम आपको चलने हैं और सामने ये मोमोज वाले आ जाएंगे। और यहाँ पे मोमोज आप ज़रूर खाइए यहाँ पे आके, तो हम भी खाते हैं, ट्राई करते हैं। एक मिनट, कितने के मोमोज दे रहे हो?
हाँ वेज 50 का है, वेज 50 का है, पनीर 70 का है और चिकन भी 70 का है। दिखाइए, वाओ। तो मोमोज की शक्ल तो अच्छी है, अब देखते हैं टेस्ट कैसा है। तो अब मोमोज खाने के बाद आपसे मिलते हैं। आपके स्पेशल मोमोज है? हाँ। क्या स्पेशल है? टेस्ट करके देखो तब पता लगेगा, ऐसे क्या पता लगेगा। अच्छा, तो यहाँ के स्पेशल मोमोज जो है बोल रहे हैं कि पूरे मैक्लोडगंज में नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे ऐसे, लेकिन ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिलेगा। हर जगह मिलेगा ऐसा स्वाद, हर जगह मिलेगा, इससे बढ़िया स्वाद मिलेगा। हाँ, तो अभी हम सुबह आएंगे यहाँ पे, समोसे खाएंगे ब्रेकफास्ट में और टिक्की खाएंगे। और ये दुकान मेन चौक से, ये मंदिर से, जो अभी मैंने आपको मंदिर दिखाया था उसके साथ में ही है। तो हम सुबह आएंगे और यहाँ पे आकर समोसा खाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, अभी मार्केट बंद हो चुकी है क्योंकि कोरोना टाइम है। 8 बजे यहाँ पे सब कुछ बंद हो जाता है मोस्टली, कुछ कुछ दुकानें खुली हुई हैं और रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं और मोस्टली सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं। तो हम आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या खुला हुआ है। तो अभी यहाँ पे सारी चीज़ें ओपन हुई नहीं है, कुछ रेस्टोरेंट्स हैं जो क्लब्स हैं जो अभी बंद है और कुछ है जो चालू हो गए हैं। जैसे यहाँ पे ब्लैक मैजिक एक काफ़ी फेमस बार एंड रेस्टोरेंट है, क्लब है जो ओपन हो चुका है, जहाँ पे मैं भी जाऊँगा और मैं आपको दिखाऊँगा। बाकी इसी चौक पर ये रेस्टोरेंट्स हैं, हाउस ऑफ तिब्बत कैफे एंड बार, तंदूरी जायका, और ऊपर कुछ रेस्टोरेंट्स हैं जो अभी बंद है जिसका नाम है पापा विस्की ब्रूरी स्काई बार। तो अभी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बंद है, प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें खुली नहीं है। वैसे सब कुछ खुल गया है, लेकिन अगर आपको क्लबिंग करनी है, रेस्टोरेंट्स में जाना है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि कुछ ही रेस्टोरेंट्स बाहर से जो ओपन है। तो मैं खड़ा हूँ अभी ब्लैक मैजिक क्लब के बाहर, यहाँ पे अभी लाइव बैंड का प्रोग्राम हो रहा है अंदर। और ये मैक्लोडगंज में काफ़ी फेमस बार है ब्लैक मैजिक के नाम से, तो जो भी मैक्लोडगंज में आता है वो ब्लैक मैजिक में ज़रूर आता है। अभी बहुत सारे क्लब्स हैं जो अभी बंद हो चुके हैं, लेकिन ब्लैक मैजिक है जो अभी भी ओपन है और अच्छी तरह काम कर रहा है। तो चलो ब्लैक मैजिक में अंदर चलते हैं और देखते हैं ब्लैक मैजिक का मैजिक। अंदर चल के देखते हैं, लाइव म्यूजिक की आवाज आ रही है आपको, तो अंदर जाके मजा करते हैं, देखते हैं ब्लैक मैजिक के बारे में। चलो यहाँ पे लाइव म्यूजिक चल रहा है और मैं आपको दिखाऊंगा ब्लैक मैजिक कितना फेमस है यहाँ पे। अभी हम लाइव म्यूजिक का को एंजॉय करते हैं। ये इनका क्लब और बार सेक्शन है जहाँ पे लाइव परफॉर्मेंस चल रही है।
ब्लैक मैजिक। तो अभी हम यहाँ से निकल गए ब्लैक मैजिक से, और उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा ब्लैक मैजिक। तो अगर थोड़ा सा ही मैजिक मेरी वीडियो पे चला हो ब्लैक मैजिक का, तो यहाँ पे ज़रूर आए, क्योंकि मैं तो यहाँ पे दोबारा आने वाला हूँ। और आप सबको रिकमेंड करता हूँ कि आप यहाँ पे और इनका लाइव बैंड शो ज़रूर देखें। दिल्ली में बहुत देख लिया, मुंबई में बहुत देख लिया, अब मैक्लोडगंज जाकर लाइव म्यूज़िक को एंजॉय कीजिए, क्योंकि हिमाचल का म्यूज़िक ही कुछ और है। सी यू, बाय। तो अभी हमने लोकल रेस्टोरेंट्स देख लिए, क्लब देख लिया, नाइट लाइफ देख ली, और अब मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और जगह पे, किसी और डेस्टिनेशन पे। तो कीप लविंग मी, कीप लाइकिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब करते रहिए। कई लोग सब्सक्राइब करते नहीं है, सिर्फ वीडियो देखते रहते हैं, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है? चलिए।